राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज नगर निगम कार्यालय में निगम अधिकारियों की एक बैठक ली। आयोजित बैठक में शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने और शहर में चली आ रही पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। वही बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में मैकेनिक ऑटोमेटिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके आगे उन्होंने कहा कि शहर में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग सही विकल्प है और मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए शहर में कुछ जगह चिन्हित की गई है जिसका सर्वे भी हो चुका है। इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आम लोगों से भी राय ली जाएगी। इसके बाद शासन की अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पब्लिक एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हम सब अवगत हैं कि हमारे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है शहर में। सो वहाँ पर जो अगला इवॉल्व्ड कंसेप्ट है वो मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का है, जहाँ पे वी गो वर्टिकल, तो जो हमारी स्पेस 3 times 4 times हो जाती है एंड दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू सिविल पार्किंग। और उनको कल को अगर हमारा प्लान है उस एरिया को रीडेवलप करने का, वहाँ पे कोई और अन्य प्रयोजन लाना है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत इजीली। उन स्ट्रक्चर्स को कन्वीनियंटली कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है और उसमें किसी भी तरह की क्षति नहीं होती है क्योंकि उसमें कोई सिविल वर्क हमारा रिक्वायर्ड होता नहीं है। तो इसी के मद्देनजर आज ज्वाइंट मीटिंग थी ट्रैफिक पुलिस, PWD, निगम और प्रशासन के बीच में। उसमें कई सारे पॉइंट्स शहर में चिन्हित किए गए हैं, उनकी सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक डिटेल्ड प्लान तैयार होने के पश्चात पब्लिक कंसल्टेशन की जाएगी विद अवर ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया और उसमें फिर शासन से विधिवत अनुमतियाँ लेकर आगे प्रोसीड किया जाएगा।